हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 10 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 1 to 9 कंप्लीट कर लिया है एंड उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास 8 की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नेम है सुपर मैथ स्टार क्लास 8। आप अपनी प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको सारी वीडियोज़ इस बुक से जो मैं न्यूली अपलोड कर रही हूँ वो सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एंड इनसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन द क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या गिवन है? अ रिबन 61 1/4 मीटर लॉन्ग हैज़ बीन कट इन टू 35 पीसेस। को 35 पीसेस में कट कर दिया। वट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस? हर एक पीस की लेंथ कितनी हमें वो फाइंड करना है। देखो अब आपके पास टोटल लेंथ है रिबन की, लेंथ ऑफ द रिबन हमें इतनी दी, टोटल लेंथ आ गई। लेंथ ऑफ ईच पीस हमें वन पीस की लेंथ निकालनी थी। कि सपोज मेरे पास इतना लंबा एक रिबन है, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, कुछ पीसेस में कट कर दिया। तो ये हमने उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए। अब हमारा जो वन पीस होगा, मतलब हमने इतने पूरे रिबन को डिवाइड कर दिया कुछ पार्ट में, तो इतने पार्ट्स में कट कर दिया। हमें ये ईच एंड एवरी पार्ट की क्या फाइंड करनी है? लेंथ। तो हमें क्या करना होगा? डिवाइड, क्योंकि हमें इसको पूरी लेंथ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो जो एक पार्ट है छोटा सा, उसकी लेंथ निकालने के लिए हमें अपनी टोटल लेंथ को नंबर ऑफ पीसेस से डिवाइड कर देना है। तो 61 1/4 को हम डिवाइड कर देंगे 35 से। तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन से इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन से हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास 244 आ गया, कैरी 1 ऐड कर देते हैं तो हमारी फ्रैक्शन बन गई 245/4। अब इसको 35 से डिवाइड करना है, फ्रैक्शंस डिवाइड तो होती नहीं है, तो हमने रेसिप्रोकल कर देना। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, 5 7 5 4 20, 5 45 बच गए, 5 9 10, 7 1 7 7 हमारे पास ऊपर आ गया 7 एंड नीचे क्या है 4। तो 7/4 मीटर हमारे वन पीस की लेंथ आ गई। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 और ऊपर 3, तो आपका आंसर आ गया 1 3/4। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉस्ट ऑफ 2.5 kg ऑफ शुगर इज रुपीज दिस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर। आपको 2.5 kg की प्राइस पता है, हमें 1 kg की निकालनी है, तो क्या करें, अगेन हमें कर देना है डिवाइड, टोटल कॉस्ट से नंबर ऑफ केजीज को डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पता हो कि एक हमने पेन परचेज़ की है, टोटल प्राइस है उन पेन की 200 रुपीज़, और वन पेन की प्राइस कितनी हो गई 20 रुपीज़। तो हाउ मैनी पेन्स, कितने पेन्स लिए हमने, हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमारे पास नंबर ऑफ पेन्स आ जाएंगे। पर यहाँ पे हमें प्राइस बतानी थी, इसमें हमें टोटल प्राइस बताई थी और क्वांटिटी थी। हर क्वेश्चन में डिफरेंट कंसेप्ट हो सकता है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दी, इसमें हम नंबर ऑफ थिंग्स फाइंड कर रहे हैं, तो हम इसको अगर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएंगे 10 पेन्स। ये एक एग्जांपल है। ऐसे आपको अगर यहाँ पे हम देखें, इसमें क्या कंसेप्ट है कि आपको 2.5 kg की प्राइस तो पता है, 1 kg की निकालनी है, कम की प्राइस निकालनी है, तो हमें डिवाइड कर देना है, क्योंकि 1 kg की प्राइस 2.5 kg तो कम होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम 4 को 58 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 32 + 3 2 35/4 डिवाइडेड बाय 2 2 4 + 1 5/2। देन हम इसको अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। आप सबको पता है क्या करना है, इसको हमें रेसिप्रोकल कर देना और मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। 2 1 2 2 5 1 5 4 20 5 7 47/2। अब ये रुपीज़ में आ गई प्राइस हमारी 1 kg की, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करें, 2 से डिवाइड, 2 2 4 0, यहाँ पे 7 2 3 6 and 1, तो आपका आंसर आ गया 23 1/2 रुपीज़ प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी यूनिफॉर्म्स कैन बी मेड फ्रॉम 94 1/2 मीटर ऑफ क्लोथ इफ ईच यूनिफॉर्म नीड्स 2 1/4 मीटर ऑफ क्लोथ। देन हमें क्या बताना है यहाँ पे, हाउ मैनी यूनिफॉर्म्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस मीटर ऑफ क्लोथ। इतने मीटर से कितने यूनिफॉर्म बनेंगी, अगर एक मीटर यूनिफॉर्म इतने से बन रही है तो अगेन हमें यहाँ पे क्या कर देना है, डिवाइड,
टोटल क्लोथ जितना हमें पता है उससे हम डिवाइड कर देंगे वन यूनिफॉर्म की जितना क्लोथ रिक्वायर्ड है वन यूनिफॉर्म के लिए। देखिए इसमें हम सेम एग्जांपल ले सकते हैं, जो 200 पेंस वाली ली हमने 200 रुपीज़ वाली, तो अगर सपोज हम यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारे पास टोटल पेंस आए 100 रुपीज़ के, ठीक है, तो एक पेन की प्राइस ऑफ वन पेन इज़ 10 रुपीज़, तो नंबर ऑफ पेंस कितने हैं, जैसे यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ यूनिफॉर्म्स बतानी है तो नंबर ऑफ़ पेंस कितने होंगे 100 डिवाइडेड बाय 10, तो मीन्स 10 पेंस। ऐसे ही टोटल कितना क्लोथ हमें चाहिए वो भी बताया हुआ है, कितना सारी यूनिफॉर्म्स को लगा, एंड वन यूनिफॉर्म बनाने के लिए कितना क्लोथ रिक्वायर्ड है वो है 2 1/4 मीटर, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिफॉर्म्स। चलिए हम इसको पहले सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 94 into 2 188 आ जाएगा, उसमें 1 ऐड कर देते हैं 189/2 एज इट इज़, और यहाँ पे आ गया 9/4। अब हमें रेसिप्रोकल कर देना है इस साइड को, देने याद रखना है इसी साइड को ऑलवेज करना है आपको, तो 2 1s are 2 2s are 9 1s are 9 2s are 18 9 1s are, तो हमारे पास आ गया 21/2, नीचे तो 1 1 ही है दोनों, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया 42। तो 42 यूनिफॉर्म्स बन जाएंगी इतने क्लोथ में से। क्वेश्चन नंबर 13, गिवन डैट 137.5 kg ऑफ सीड्स वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 50 farmers, टोटल क्वांटिटी ऑफ हमें सीड्स पता है, उन सीड्स को 50 farmers में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, फाइंड द वेट ऑफ सीड्स रिसीव्ड बाय ईच फार्मर। सबसे पहले हम लिख लेते हैं टोटल वेट ऑफ द सीड्स 137.5 kg एंड नंबर ऑफ फार्मर्स कितने हैं 50, वेट ऑफ सीड्स रिसीव्ड बाय ईच फार्मर, एक फार्मर को कितना सीड मिलेगा हमें ये फाइंड करना है, तो हमें अगेन क्या कर देना है डिवाइड, क्योंकि सिंपली क्वेश्चन को पढ़ के समझ आ रहा है आप सबको भी आ रहा है अच्छे से कि डिस्ट्रीब्यूट किया है टोटल क्वांटिटी ईच एंड एवरी फार्मर में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, टोटल से कम मिलेगा, तो हमें जब सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम कर देते हैं डिवाइड, एंड सबसे पहले हम क्या करते हैं 137 को 2 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, देन हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 274 + 1 275/2 / 50/1, देन यहाँ पे ये एज इट इज़ 1/50 के टेबल में कट कर देते हैं 50, यहाँ पे 5 1s are 5 0 एज इट इज़, 5 5s are 25 5 5s are 25। अब हमने अपनी बाकी सारी कटिंग भी यहाँ पे कर ली, यहाँ पे हमने 5 के टेबल में कट कर दिया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 11 एंड देन नीचे 2, 11 1s are 11 2 2s are 4। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, 4 2s आ जाएगा आपके पास 8 एंड नीचे 3, तो हम इसको लिख देंगे 2 3/4 kg, ये आ गया क्वांटिटी रिसीव्ड बाय ईच फार्मर। क्वेश्चन नंबर 14, अ ट्रेन कवर्स 383/4/5 km इन 3/4 hours, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब हमें इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है कवर्ड बाय द ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज दिस 383/4/5 km, टाइम टेकन 3/4 hours, हमें फाइंड करनी है स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, जो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि दोनों ही थिंग्स हमारी फ्रैक्शन में है, तो जब आप फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन लिखोगे आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना, तो हम ऐसा सीधे लिख लेते हैं। चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 383/4/5 को हमें डिवाइड करना है 3/4 के साथ। अब हमने 383 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1915, अब इसमें 4 ऐड करेंगे हमारे पास बन जाएगा 19/5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 4 4 16 + 3 19/4, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ये एज इट इज़ रहेगा एंड मल्टीप्लाई का साइन डाल के यहाँ पे हमने कर दिया रेसिप्रोकल, 19 1s are 19 1s are, 2 digits एक साथ ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 एंड देन अगेन 19 1s are 19। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 1s are 4 4 0s are 4 1s are 4 एंड नीचे हमारे पास 5, ये आ गई आपकी स्पीड किसमें किलोमीटर पर आवर में, बट हम इसको क्या कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, देन 5 8s are 40, देन 4 आ गया
फाइव जीरो जहाँ ज़ीरो, अब रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास फोर, तो आपका आंसर आ जाएगा 84/5 किलोमीटर पर आवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 meter ऑफ क्लोथ इफ 3/2/5 meter ऑफ इट कॉस्ट रुपीज दिस। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ 3/2/5 meter ऑफ क्लोथ हमें दी हुई है इतनी, हमें फाइंड करनी है 1 meter की। हमने पहले भी समझा था 1 meter के लिए जब 1 के लिए फाइंड करना है तो हमें करना होता है डिवाइड, तो आपको 1 के लिए फाइंड करना है, तो हमें टोटल कॉस्ट को, टोटल हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्राइस दी हुई है कि इतने मीटर की इतनी आती है और जितने हमारे पास क्वांटिटी है मीटर है उसको उससे क्या कर देंगे डिवाइड। यहाँ पे क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देना है इम्प्रॉपर में, तो 120 को 10 से करेंगे 1200, तो 1207/10 और यहाँ पे 15+2 17/5 यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया हमने, और ये रेसिप्रोकल होके 5/17 आ गया। अब हम ऐसे करते हैं, देखिए 5 1s 5 2s कटिंग हो सकती है, ट्राई करते हैं कि ये नंबर 17 के टेबल में जाएगा कि नहीं। जैसे 12 तो ऐसे छोटा नंबर है, 3 digits को लेके देखते हैं, 12 को मल्टीप्लाई करके देख, मतलब 17 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 17 के टेबल में 120 कहाँ पे आता है। अगर आप 17 7s करेंगे तो आपके पास आएगा 119, तो यहाँ पे 1 आ गया एंड देन 7, तो 17 1s 17 नहीं होता, तो हमारा पूरा पूरा चला गया 17 1s 71, तो आपका आंसर आ गया 71/2। अब इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा, 2 7 2 3s 6 देन 2 5s 10 और ये आपका रिमाइंडर, तो हम इसको लिख सकते हैं 35 1/2। और हमें क्या बताना था, कॉस्ट बतानी थी 1 meter की, तो हमारा आंसर आ गया ₹35.5। टोटल कॉस्ट किसकी आई है, ये 1 meter क्लोथ की। अब हमने अपना क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, एंड इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो गई है, एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। इन केस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।